नागौर लोकसभा क्षेत्र के आरएलपी और भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल सोमवार को नावा दौरे पर रहे। इस दौरान बेनीवाल ने सांभर तिराहे से नावा का बस स्टैंड तक रोड शो किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस रोड शो का जगह जगह पर स्वागत किया गया। बेनीवाल के स्वागत में नावा के पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी, परबतसर पूर्व विधायक मान सिंह किंसरिया, मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया सहित अनेक भाजपा और आरएलपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए बेनीवाल ने कहा कि नागौर जिले के किसानों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और उनकी हर समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। इस मौके पर बेनीवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी पर भी जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, आरएलपी के नौजवानों के अंदर कि नागौर की सीट तो ऐतिहासिक वोटों से जीतेगा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, लेकिन राजस्थान के अंदर मिशन 25 पूरा होगा। नरेंद्र जी मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और दिल्ली और पंजाब के अंदर भी सारे कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे। सब राष्ट्रवादी व्यक्ति यही चाहता है। हर देश का व्यक्ति पुलवामा के बाद हृदय परिवर्तन हर भारतवासी का हो गया कि आतंकवाद का समूल नाश करना है। नरेंद्र मोदी के हाथ में देश सुरक्षित रहेगा।